वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों को एचटीएमएल का टेबल से रिलेटेड प्रोग्राम पूछा गया है और प्रैक्टिकल एग्जाम कितने समय का होता है ये क्वेश्चन कई बच्चों से जो है तो मैंने कहा इसमें बताता हूँ आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें मैं कई बातों को रखूंगा आपको यहाँ सामने। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम 3 घंटे का होगा जिसमें आपका 20 मार्क्स का वाइवा और 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अगर आप लोग प्रोजेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ओ लेवल के प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करना होता है पूरा आपको बताते हैं, कैसे करना होता है और आप खुद बनाना सीखते हैं यहाँ पे, तो अच्छी तरीके से आप प्रोजेक्ट बनाना यहाँ सीख सकते हैं। और इसकी हमारी ऑनलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप चाहें तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भी सीख सकते हैं इसको। जो लोग सीखना चाहते हैं हमें कमेंट्स जरूर करें ऑनलाइन। तो एसटीएमओ का जो प्रोग्राम है इसमें कैसे होगा वो मैं आपको करता हूँ स्टार्ट। तो चलिए बिना देर किए हुए, आप देख रहे हैं आरआईटी चैनल और मैं हूं राजेश। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग लाइक वीडियो को जरूर करें ताकि अन्य सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे एचटीएमएल का प्रयोग करते हुए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4x3 यानी कि टोटल 12 यहाँ पे सेल बनेंगे। अब कह रहा है कि विदिन टेबल प्लेस 12 इमेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट स्पॉट। आपको टूरिस्ट स्पॉट की यहाँ पे इमेज लगानी है और ईच बॉक्स में ईच इमेज शुड लिंक टू बी कॉरेस्पॉन्डिंग वेबसाइट। प्रत्येक जो है यहाँ पे वेबसाइट से लिंक होगी और इमेज की जो साइज होगी 100x100 साइज की होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कैसे करेंगे ये बताता हूँ, कम समय में कैसे करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे करना है इस प्रोसेस को। तो देखिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप आरआईटी इंस्टीट्यूट खोलेंगे, स्टूडेंट पे जाएंगे, एचटीएमएल एडिटर पे जाएंगे। ये देखिए आप यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको कोडिंग करके दे रही है बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे ये आप हटाने के बाद में आपको पूरा स्ट्रक्चर ऐसा आप लोग लिख लेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद में आपको बनाना क्या है टेबल, टेबल बॉर्डर इक्वल 1 टेबल बंद कर दिया। हमें यहां पे क्या करना है 4 रो और 3 कॉलम्स बनानी है। तो चलिए मैं यहां पे क्या करूंगा TR। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है इस टेबल का तो आप टेबल का वीडियो जरूर देखिए, आपको ये पूरी जानकारी यहां पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे आइए, यहां पे आपको प्रैक्टिकल का आईओटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे साथ में पाइथन भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग पाइथन का क्लास करना चाहते हैं वो पाइथन कर सकते हैं, जिन्हें सी लैंग्वेज का क्लास करना है वे लोग सी की क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे पाइथन की क्लास भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आईओटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2 क्लासेस आईओटी की और पाइथन की भी हो चुकी है। बाकी अगर आपको एचटीएमएल की क्लासेस करनी है बेबियानिंग की, तो बेबियानिंग देखिए यहाँ पे एचटीएमएल की टेबल की पूरी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे टेबल की लिस्ट पूरी देख सकते हैं। टेबल का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बना बनाया अलग से पूरा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आकर के। चलिए मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू बताता हूँ कैसे करना है। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से 3D और 3D को बंद कर दीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है इमेज लेना है SRC और ये SRC हमको लेने के बाद में हमें क्या करना है इसको बंद करना है ELT में टूरिस्ट 1
विड्थ हमें कितना रखना है 100 और हाइट हमें कितना रखना है ये भी 100 ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब एक ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पहली पिक्चर बना ली। अब हमसे कहा गया है कि एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट दिखा दे रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ये रो 4 रहेगी और 3 कॉलम्स रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे यानी ये टीडी वाला कॉलम हमें बनाना कितना पड़ेगा 4। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हो गई पूरी 3 टीडी। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, टीआर को करेंगे बंद। तो ये हमारा हो जाएगा बंद टीआर, पहला टीआर हो गया बंद। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जो अल्टरनेटिव है ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सभी टूरिस्ट का यहाँ पे क्या करना है, हमें लेना है पिक्चर। पिक्चर के बाद में एक बात और बोली गई है साथ ही में आपको, यहाँ पे ईच इमेज शुड लिंक टू कॉरेस्पोंडेंट वेबसाइट, लिंक कह रहा है। देखिए हमें क्या करना, लिंक भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो लिंक मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्रत्येक वेबसाइट के लिए भी जो है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंकर और एच आर एफ इक्वल, और ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस इमेज के ऊपर बोला गया तो मैं इमेज की बातें बंद कर दूंगा यहाँ पे एंकर टाइप को। देखिए यहाँ पे ये बंद हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये मैं हटा दे रहा हूं एक बार के लिए, इतना बात मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है। तीन आ चुकी है तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 के बाद में ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3। और पिक्चर हमें यहाँ पे अब लगानी है। तो देखिए मैं पिक्चर लगाने का क्या काम करूंगा, स्पोर्ट्स की वेबसाइट हमें लानी है। हमें यहाँ पे जो लानी है वेबसाइट हमारी कौन सी होगी, स्पोर्ट्स। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आपको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, अगर वहां पे ऐसा बोला जाता है नेट आपको मिलता है तो आप वेबसाइट सर्च कर लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट जो मैं देखता हूँ कोई भी टूरिस्ट, वेबसाइट तो बहुत सारी है यहाँ पे। जैसे कि मैं ये वाला लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इतना मान लीजिए मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए और मैं यहाँ पे आया। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक वेबसाइट का लिंक यहाँ पेस्ट करना है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, चार अप में जैसे डाल रहे हैं, लिंक बड़ी होती जा रही है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा। एक इमेज की लिंक मुझे डालनी है, देखिए मैं इमेज की लिंक भी यहां से उठाऊंगा। मान लो मैं यानी इमेज उठा ली, कॉपी किया मैंने, कॉपी इमेज एड्रेस। फिलहाल के लिए आपको एड्रेस चाहे तो आप थोड़ा छोटा देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहां से कॉपी करें। आपको कोई एग्जांपल दिखाना है, मैंने यहाँ पे पिक्चर ये वाला पेस्ट कर दिया। ये लंबा बहुत है इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे डालूंगा तो काफी जब वो बड़ा होता जा रहा, छोटा करूंगा तो इतना आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बट ये मैं कोडिंग आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आपको ये मिल जाए, तो आपको ये सब टाइप नहीं करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब देखिए मैंने इतना कर लिया है, अब इस पर रन करके देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे 3 आउटपुट आ गया है, आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ये हम चाहते हैं ये बड़ा बड़ा दिखाई पड़े और दूर दूर दिखाई पड़े, तो आप इसे दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे छोटा सा सीएस लगाऊंगा,
प्रत्येक टीवी में पैडिंग रहेगा 5 पिक्सल का, चारों तरफ से, ताकि ये आसानी से हमको दिखाई पड़े थोड़ा थोड़ा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस तो आया, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आया है। और कॉमा कर दिया हमने यहाँ पे इमेज में, और एंकर टैग में थोड़ा सा, एंकर कोई जल्दी नहीं हमको है, प्लस टीआर में ये पूरा बकायदा थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। आया तो लेकिन में बढ़िया से इसमें कम पता चल रहा है, इसका अप्लाई नहीं हुआ ठीक से जो है। और कोई बात नहीं है, हमको जो देखना है हम पहले तो आपको निकाल चुके कि देखो यहाँ पे 3 पिक आ गए। अब इनको क्या करना है, हमको 4 लाइन बनाना है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन ले लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया थोड़ा सा पेस्ट कर दिया रो नंबर 2। VR टाइल लगाते जाते थोड़ा सा ताकि ये डिफरेंसेस रहे। 3 और 4 पूरा पूरा ऐसा आप कर लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए इस तरीके से सारा टूल्स आ गए। अब लिंक वहां पे हमें चेंज करना है, पिक्चर सेम आ रही है, तो जब मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा, किसी भी लिंक पे क्लिक करूंगा, तो इसका वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूआरएल पे आ रहा है, ये वेबसाइट आ रहा है, ये ओपन हो जाएगा हमारा। ये कोडिंग हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोडिंग में यहाँ पे पूरा पूरा आपको क्या करता हूँ सेंड कर देता हूँ। तो जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन था पहला कि आपको ये क्रिएट करना, टेबल क्रिएट हो गई, उसके बाद में हमको विदिन टेबल में 12 इमेज। अब इमेज आपको अलग अलग डालनी थी, हमने सिंगल इमेज डाली, आपको सब अलग अलग करना है, बस खाली इमेज का वहां पे पाथ आपको चेंज कर देना है खाली, और इमेज भी आपको अलग करनी है, उनकी लिंक लगा देनी है, और ईच इमेज मस्ट एटलीस्ट 100 साइट ये हमने कर दिया ऑलरेडी। ये क्वेश्चन हो गया कम्प्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन कर सकूं, और ये अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप पे अपने फेसबुक पे शेयर करिए ताकि वो सब लोग भी देख सके इस वीडियो को और अपना एग्जाम आसानी से दे सके। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस सी वाला प्रोग्राम बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे हल। जो लोग इसमें सी शार्प का करना चाहते हैं या कोई अगर इसमें मल्टीमीडिया करना चाहते हैं तो वो बताएं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।